हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलियस नैन और आप देख रहे हैं द स्पीड एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी रोल और थैनेटोस को डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं फ्रॉइड की थ्योरी के मुताबिक। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी हमारे पास, साइको डायनेमिज्म जिसको हम कहते होते हैं, साइको एनालिसिस कहते होते हैं, जो कि साइको डायनेमिज्म के फाउंडर भी हैं, ठीक है। और इसमें उन्होंने तीन मेन कॉन्सेप्ट दिए थे हमें, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है। तो दोस्तों, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो इसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो होती है पर्सनैलिटी, उसमें दो तरह के इंस्टिंक्ट्स होते हैं मेन, एक हमारे पास होता है इरोस और दूसरा हमारे पास होता है थैनेटोस। इन दोनों की उन्होंने बात की थी पर्सनैलिटी ऑफ, मतलब पर्सनैलिटी की, कि इसमें दो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एक इरोस उन्होंने नाम दिया था, दूसरा उन्होंने कहा था थैनेटोस का नाम दिया था। दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, अगर आपको एक समझ आ जाती है तो दूसरों की आपको खुद ही समझ आ जाएगी। दोस्तों, इरोस क्या है, उन्होंने कहा था कि आपकी लाइफ में इस तरह होता है इंसान की जिंदगी में कि ये आपके लाइफ इंस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब ये आपको लाइफ की तरफ मोटिवेट करते हैं, जिंदगी की जो है जीने की तरफ, या जिंदगी से प्यार करने की तरफ, जिंदा रहने की तरफ आपको मोटिवेट करता है कि आप रहो, तो वो इरोस का काम होता है, ये वो इंस्टिंक्ट होते हैं। जबकि जो थैनेटोस, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, ये लाइफ इंस्टिंक्ट है, तो ये क्या है, डेथ इंस्टिंक्ट है, मतलब ये आपको डेथ की तरफ ले जाएगा, मौत की तरफ ले जाएगा, डेड की तरफ ले जाएगा, मतलब आपको जो है जिंदगी से बिल्कुल ही बेदार कर देगा, जिंदगी से जो है मतलब कहेगा आप उसे तो जान छुड़ाएं, इसका कोई फायदा नहीं है, उसे क्या करें, इंजॉय ना करें, तो वो डेथ की तरफ आपको ले जाएगा, ये लाइफ इंस्टिंक्ट है। और ये क्या है दोस्तों, डेथ इंस्टिंक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्या कहता है, मोटिवेट्स इंडिविजुअल वर्क हार्ड फॉर क्रिएटिविटी एंड अचीवमेंट्स ऑफ एजुकेशन आर्ट पॉलिटिक्स ईटीसी। दोस्तों, ये जो आपका इरोज है, ये क्या कहता है, मैंने आपको बताया लाइफ इंस्टिंक्ट है, मतलब ये आपको क्रिएटिविटी की तरफ मोटिवेट करेगा कि आप क्रिएटिविटी के लिए आप वर्क हार्ड करें, मेहनत करें, जिंदगी के लिए अच्छी जिंदगी बनाने के लिए, लाइफ को इंजॉय करने के लिए आप करें क्रिएटिविटी के लिए हार्ड वर्क करें। अचीवमेंट्स फॉर ऑफ एजुकेशन आर्ट एंड पॉलिटिक्स, मतलब आप जो है अपनी एजुकेशन में, अपने आर्ट में, अपने पॉलिटिक्स, किसी भी फील्ड में आप हैं तो उसमें आप अचीवमेंट्स हासिल करें, मतलब आपको ये जिंदगी तरफ ले जाएगा, उससे प्यार की तरफ ले जाएगा, मतलब आपको कहेगा आप वर्क हार्ड करें, अचीवमेंट्स लें जिंदगी में और अच्छी तरह से जो है जिंदगी को इंजॉय करें, तो ये आपको लेके जाएगा अचीवमेंट्स ऑफ एजुकेशन की तरफ। जबकि हम इसकी बात करें तो ये क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, ये आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा, जिंदगी की आपको तबाह करने की कोशिश करेगा, मतलब लाइफ से बिल्कुल ही एक हटने की ट्राई करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। अगर इसमें दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट देखते देखें तो हमारे पास आएगा मोटिवेट डेथ हेट्रेड एग्रीशन वायलेंस वार मर्डर सोसाइटी। दोस्तों, ये क्या करेगा, आपको डेथ की तरफ मोटिवेट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया हेट्रेड नफरत की तरफ, एग्रीशन गुस्सा, वायलेंस, ठीक है, वार, जंग, मर्डर, कत्ल, सुसाइड, खुदकुशी करना, तो इस तरह की जो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, जो इस तरह के आपके वैल्यूज हैं आपके अंदर, तो ये उनकी तरफ आपको ले जाएगा, उनकी तरफ आपको मोटिवेट करेगा कि आप इनको फॉलो करें। जबकि जो इरोज है वो आपको क्या करेगा, लव टू लाइफ, ये लाइफ से लव करने के लिए कहेगा, जो है मेहनत करने के लिए कहेगा, इसका जो रिलेशन होता है रेट होता है, तो ये होता है आपके हंगर के साथ, आप भूखे हैं तो ये आपको मतलब इरोज की तरफ कहेगा, आप भूखे हैं, आप खाना खाएं, तो इसका जो रिलेशन होता है, लिंक होता है, वो आपके हंगर के साथ होता है। थर्स्टी सिक्योरिटी सेक्स फॉर न्यू जनरेशन, मतलब आपकी न्यू जनरेशन के लिए, लाइफ के लिए आपको और की तरफ आपको ये मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, ये है हमारे पास इरोज और थैनेटोस का कॉन्सेप्ट जो हमें फ्रॉइड ने दिया था, ये लाइफ इंस्टिंक्ट और दैट इंस्टिंक्ट के बारे में, ये आपको लाइफ की तरफ ले जाता है, जो है हार्ड वर्क और आपकी जो जिंदगी का असल मकसद है जिंदगी को इंजॉय करना और उसके एक सही मैनर में गुजारना, तो ये उसकी तरफ ले जाता है। और जो थैनेटोस है, ये आपको क्या करेगा, आपके बैड फीलिंग्स आपकी तरफ ले जाएगा, आपको मोटिवेट करेगा आप डेथ की तरफ, वायलेंस, वार, मर्डर, सुसाइड, या बिल्कुल आप कहते हैं उदास जो लोग रहते हैं, हॉपलेस, उस तरह की आप जो है ना फीलिंग्स आपको प्रोवाइड करेगा और आपको उस तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हमारे पास इरोज और थैनेटोस डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी फ्रॉइड के मुताबिक, उम्मीद आपको समझ आ गया और आपके जहन में बैठ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोज आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।